कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहन बनाने में सहायता करने के लिए अनेक उपाय किए जाएंगे, जिसका ब्यौरा बजट भाषण के अनुबंध दो में रखा दिया गया है। संशोधन अक्षमता दिवालियापन संहिता के अधिनियम से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार के विकास को बड़ा प्रोत्साहन प्राप्त होगा। बैंकिंग क्षेत्र में दबावयुक्त आस्तियों की समस्या का समाधान करने के लिए आस्ती पुनर्निर्माण कंपनियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। अतः मैं सारफेसी अधिनियम 2002 में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूँ, ताकि एआरसी के प्रायोजक को उस एआरसी में 100% स्टेक धारिता रखने की क्षमता प्राप्त हो। गैर संस्थागत निवेशकों को प्रतिभूतिकरण प्राप्तियों में निवेश की अनुमति मिले। अभी हाल ही में देश के विभिन्न हिस्सों में लोगों के अवैध जमा राशि प्राप्त करने की स्कीमों द्वारा धोखाधड़ी का शिकार हो जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इन स्कीमों के सबसे अधिक शिकार गरीब और वित्तीय जानकारी न रखने वाले लोग होते हैं। ऐसी स्कीमों का प्रचालन प्राय अनेक राज्यों में फैला होता है। मैं प्रस्ताव करता हूँ कि ऐसे स्कीमों के आतंक से निपटने के लिए 2016-17 में व्यापक केंद्रीय विधान लाया जाएगा। मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं कि आगामी वर्ष में सेबी अधिनियम 1992 में संशोधन किया जाए, ताकि प्रतिभूति अपीलीय अधिकरण में सदस्यों और पीठों की संख्या बढ़ाई जा सके। जैसा कि मान्य सदस्य इस बात से पूर्णतः अवगत हैं, वित्तीय क्षेत्र का सामर्थ्य एक मजबूत सुचारू रूप में कार्य करने वाली बैंकिंग प्रणाली पर निर्भर करता है। हमारे पास सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुपुष्टिकरण हेतु पहले से ही इंद्रधनुष नामक एक व्यापक योजना है, जिसे क्रियान्वित किया जा रहा है। हमारे समक्ष अभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारग्रस्त अस्थियों की समस्या है, जो काफी समय से चली आ रही है। इस संबंध में पहले ही अनेक उपाय किए गए हैं। हम बैंकों के ऋण प्रदायी और कार्मिक संबंधी मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों जैसे कि विद्युत, कोयला, राजमार्ग, चीनी और इस्पात में संरचनात्मक समस्याओं का समाधान किया गया है। बैंक रुकी परियोजनाओं के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए वसूलियां प्राप्त करने की दिशा में विशेष प्रयास कर रहे हैं। बैंकों के इस प्रयासों में सहायता और साथ ही ऋण वृद्धि में मदद करने के लिए मैं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण के लिए 2016-17 के बजट अनुमान में 25,000 करोड़ रुपए के आवंटन का प्रस्ताव करता है। यदि इन बैंकों को अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता होगी तो हम इसके लिए संसाधनों का पता लगाएंगे। इन बैंकों के साथ मजबूती से खड़े हैं। हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सुदृढ़ प्रतिस्पर्धी बनाना होगा। 2016-17 में बैंक बोर्ड ब्यूरो को क्रियाशील किया जाएगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सुदृढ़ीकरण के लिए एक भावी कार्य योजना तैयार की जाएगी। एफडीआई बैंक के रूपांतरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। सरकार इस कार्य को आगे बढ़ाएगी। अपनी शेयरधारिता को 50% तक कम करने के लिए विकल्प पर विचार करेगी। भारग्रस्त अस्थियों से संबंधित समस्याओं के तेजी से समाधान हेतु ऋण वसूली अभिकरणों का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा, जिसमें मौजूदा अवसंरचना में सुधार लाने और न्यायालयी मामलों में कंप्यूटरीकृत प्रक्रमण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि न्यायालयों में सुनवाइयों की संख्या में कमी लाई जा सके और मामलों का तेजी से निपटान हो। व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर खड़े उद्यमियों को लाभ पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का शुभारंभ किया गया था। बैंकों तथा NBFCMFI ने रिपोर्ट किया है कि इस वर्ष फरवरी के आरंभ तक PMMY के अंतर्गत 2.5 करोड़ से अधिक उधार लेन वालों को मंजूरी की गई है। राशि लगभग 1,00,000 करोड़ रुपए पहुंच गई है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि अगले वर्ष के लिए लक्ष्य बढ़ाकर 1,80,000 करोड़ रुपए कर दिया जाए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय सेवाओं की पहुंच बेहतर हो और हम आगामी 3 वर्षों में व्यापक राष्ट्रव्यापी आधार पर डाकघरों में ATM माइक्रो ATM सुविधाओं को चालू करेंगे। सरकार के स्वामित्वाधीन कंपनियों में जनता की शेयरधारिता उच्च स्तर की पारदर्शिता जवाबदेही सुनिश्चित करने का उपाय है। इस उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए सरकार की स्वामित्वाधीन साधारण बीमा कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध किया जाएगा।